नाम बता रहे हैं इसका। इंडिया गेट पे चालू हो गया डांस, मुझे लग रहा है यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे भाई बना रहे हैं टिकटॉक की ये रील्स, शायद ये इंडिया गेट की यादें हैं जो हमसे जुड़ी रहती हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नहीं तो इंडिया गेट का वो मजा नहीं। बीबी कम टू दुबई यार। साहब शेख साहब यहाँ क्या कर रहा हूँ? बिग फैन। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज मैं खड़ा हूँ यार इंडिया गेट पे, और इंडिया गेट के कुछ तुम्हारे अनचाह और कुछ खट्टा मीठा और कुछ ऐसे जायके दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ इंडिया गेट पे मिलते हैं, और ऐसे मिलते हैं रेट हाई करके। तो चलते हैं किसी बिना किसी टाइम वेस्ट करे के अंदर और जायकों के पास, क्या क्या यहाँ मिल रहा है। गाइज यहाँ मिल रहे हैं यार फ्रूट्स चाट, जो यहाँ पे फ्रेश चाट मिल जाएगी तुम्हें। और ये भैया बना रहे हैं यार फ्रूट चाट, सिर्फ 50 रुपए की प्लेट है। और यहाँ पे हमारे सामने यार बहुत ही तादाद में भीड़ आई हुई है इंडिया गेट पे। तो गाइज चलते हैं यार इंडिया गेट पे और देखते हैं आज यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है और यहाँ की क्वालिटी क्या रहने वाली है। चलो तो भाई ट्राई करते हैं पहला फूड आइटम यार, जो कि यार इंडिया गेट पे मिल रहा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आओ चलते हैं खाने। भाई बड़े ही प्यार से बना रहा है। भाई कितने सालों से बना रहा है? अभी नए हैं भाई, यहाँ पे बड़े सारे जायके हैं। तो भाई सारे टेस्ट करेंगे आज इंडिया गेट के। बाकी भीड़ बहुत है यार यहाँ। रेट जाएगा भाई, गर्मी की जान होती है भाई तरबूज, गर्मी तो वैसे भी जाने वाली है। तो वाइट वाले का नाम तो मुझे देखो पता नहीं, कमेंट में बता देना। मस्त मेलन भाई नाम बता रहा है इसका। यार पहली आइटम तो देखो मैंने खा ली, बड़ी फ्रेश थी, जरा सी फ्रेशनेस चाहिए थी तो आ नहीं रही थी। बाकी क्राउड बहुत है यार यहाँ, कोई अपनी पापा की परियों को घुमाने लाया हुआ है, तो अपनी कोई घर की लड़ाइयों से अपनी बीवी को यहाँ घुमाने लेकर आया हुआ है, तो जो कहती हैं घुमाने नहीं ले आते वो भी यहाँ घुमाने लेकर आए हैं। तो चलते बिना किसी टाइम वेस्ट करे, तो देखो यहाँ पे देखो भाई कैसे मज़े ले रहे हैं। देखो ये होती है दोस्ती यारी, अपने दोस्तों के जेबों में भर रहे हैं कूड़ा। और बाकी भीड़ तो यहाँ पे भाई जवाब ही नहीं, यहाँ पे चावल से लेके दाने तक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और गर्ल्स वगैरह तो यहाँ पे मुझे इतनी देख रही हैं। बाकी यार यहाँ से व्यू देख सकते हो यार कितना सुहाना लग रहा है, बाकी भीड़ बहुत है। और यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको टिकटॉक के नाचने वाले, देखो ये कैसे मुजरा कर रही है इंडिया गेट पे। देखो यहाँ पे सिर्फ मुजरा करने के लिए आती हैं ये लड़कियाँ जिसने टिकटॉक बैन करा। और इधर भी दूर से दूर तक देखोगे यहाँ पे भी दिख जाएगा तुम्हें एक से नमूने इंडिया गेट की दुनिया में, तुम्हें ये भी एक दिख जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने ज़्यादा बबल उड़ा रहे हैं। और ऐसा लगता है यार बच्चे बन चुके हैं हम ऐसे बबल में आके। शायद ये इंडिया गेट की यादें हैं जो हमसे जुड़ी रहती हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नहीं तो इंडिया गेट का वो मज़ा नहीं। यहाँ पे भाई यहाँ पे मिल रहे होते हैं यार एक से एक अलग कलाकार आर्टिस्ट, तो देख सकते हो भाई हैंडवर्क से यार ऐसा बना देंगे। अगर मूर्ति आपको बनवानी है तो आना पड़ेगा इंडिया गेट पे, सिर्फ 300 रुपये का ये पोस्टर आपको भाई बना के दे देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यार इंडिया गेट की रौनकें, देखो ये कैसे ये नाचने और टिकटॉक पे मुजरा करने आई होती है। और ये देखो ये टिकटॉक वाला साला जा रही है देखो टिकटॉक बनाने के लिए, और ये अब इनसे कुछ करेगा। और ये देखो ये इसकी बेइज्जती हो चुकी है गाइस। ये देख सकते हो यार यहाँ पे टिकटॉक का कीड़ा अभी भी चालू है, और टिकटॉक हुए बैंड हुए यहाँ पे पूरे 2 साल हो चुके हैं, और यहाँ पे अब भी टिकटॉक का जलवा भी चालू है गाइस। देख सकते हो यहाँ पे भाई बना रहे हैं टिकटॉक की ये रील्स, तो ये वायरल होने के लिए करते हैं यार ऐसी रील्स। और यहाँ पे झूमड़ा देख सकते हो यार कितना आया हुआ है इनका यार। और ये भाई भी देखो कितने शान से देख रहे हैं, और यहाँ पे भीड़ लग चुकी है इनका मुजरा देखने के लिए। और ये टिकटॉक का कीड़ा पता नहीं कब निकलेगा लोगों के दिल से। भाई यार टिकटॉक का ज़माना चला गया यहाँ पे, अब भी लोग यार टिकटॉक बने हुए बताओ, टिकटॉकरियाँ बने हुए, कोई तो लड़की यहाँ पे मुजरा कर रही दिख जाएगी यार यहाँ पे, या कोई लड़का तुम्हें रील्स बनाता हुआ दिख जाएगा। ये इंडिया गेट नहीं, टिकटॉक का होम पेज बना रखा है इनको इंडिया गेट को।
मैं इंडिया गेट के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका हूँ। यहाँ पर अब भी देख सकते हो यार, यहाँ पे हो रहा है यार, देखो फिर ये देखो टिकटॉक का रिकॉर्ड। तो भाई की रील्स बन रही है यार यहाँ पे वायरल वाली। यहाँ पे अब यहाँ पे कपल फोटो शूट्स भी हो रहे हैं और मैं कितना ही पास जाता रहूँगा उतनी एंटिक चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। ये लोग कई देशों से आकर इंडिया गेट पे ये हंगामा वो करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यार ये शाहरुख खान वाला पोज देके भाई कब से खड़े हैं यार, ये इनकी रील्स और इनकी वीडियो कोई बनाने को राज़ी ही नहीं हो रहा। तो मैं जा रहा हूँ यार और इंडिया गेट के करीब, और भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो यार, हर कोई एंटिक एंटिक फ़ोटो खिंचवाता हुआ तुम्हें दिख जाएगा। कोई अपने घर वालों को वीडियो कॉल पे इंडिया गेट नज़ारा दिखा रहा होगा, तो कोई कोई भी देश से आ रहा होगा इंडिया गेट को देखने। यहाँ देख सकते हो यार ये फुवारा कदिया सदियों साल पुराना फुवारा होने वाला है। यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा नाचती थी, तो यहाँ पर बैंड कर दिया लोगों का नाना, क्योंकि यहाँ पर हो चुके थे यहाँ पे ऐसे ऐसे जो लोग अंदर जाते थे उसको ऊपर निकल कर आते थे तो कुछ और ही होता था उनके ऊपर, तो यहाँ पे बंद कर दिया यार नाना। वरना यहाँ पे लड़के क्या लड़कियाँ क्या यहाँ पर डुबकियाँ लगाती थी, पता नहीं क्या स्नान करती थी। और यहाँ पे झरना ये बहुत ही साल पुराना झरना है। बाकी चलते हैं आगे कुछ खाने यार, अब लग रही है कोई थोड़ी सी भूख। इस हिसाब से देख सकते हो यार यहाँ पे ये भी एक फ़ोटो सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, जहाँ पे फ़ोटो और ऐसे खींचते हैं फ़ोटो जैसे पीछे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह हो, ये पानी देख सकते हो, पानी का रंग कितना ज़्यादा साफ़ है और ये ब्लू पानी है, कितना साफ पानी है। चलते हैं आगे। और इंडिया गेट का शेप, ये शेप ऐसे नहीं ऐसे है, इसलिए आपको इंडिया गेट ऐसा दिख रहा है। कभी आप सोच रहे हो मैंने इंडिया गेट का शेप बदल दिया। यहाँ पे भीड़ देखने के बाद आपको लगेगा कि हम पूरा इंडिया गेट आपको घुमा देंगे, मगर घुमाना इम्पॉसिबल है यार, इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो रही है। और यहाँ क्या यहाँ चल रहा है, हबीबी कम टू दुबई यार, दुबई साहब शेख साहब यहाँ क्या कर रहा हो? शेख साहब की मलिका घूम गई है, तो वो मलिका ढूंढ रहे हैं अपनी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखने वाला है, राहत का मंजर। यहाँ पर देख सकते हो यार कितनी भीड़ होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे भीड़ बहुत है इंडिया गेट पे भीड़। यहाँ पे देख सकते हो यार भीड़ जो है ना बहुत ज्यादा है, और कपल फोटो यहाँ पे बहुत खींच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो यार एक और डांसर भाई मिल चुके हैं हमें, जो कि यहाँ पे टिकटॉक को अब भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शाबाश, यह मारा, देख सकते हो यार वाह एंड कर दिया भाई ने। भाई साहब ये आहा, ये देखो ये इंडिया गेट पे आप आओगे यहाँ पर, ये इंडिया गेट पे देख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ इस तरह सा हाल है, यहाँ पे हर तरफ भाई, यहाँ पे आपको हर तरफ मिल जाएगा यार डांस देखने को। जो बोर हो रहा है आ जाओ इंडिया गेट डांस देखने, संडे वाले दिन यहाँ पे ज्यादा डांस होता है। तो यहाँ लेडीज तैयार हो रही है एक रील्स बनाने के लिए, लाल साड़ी में करेंगी अब ये डांस, तो देखते हैं क्या डांस रहता है इनका। अपने मियाँ से कह रही है मेरी वीडियो हो रहा हूँ, और ये देख सकते हो अब ये होगा इनका डांस स्टार्ट। चलो मैम स्टार्ट करो यार। यहाँ पर देख सकते हो यार इंडिया गेट पे यहाँ हो रहा है डांस, जो कि यहाँ पर हो रहा है फुल फैमिली पैक में डांस। तो देख सकते हो यहाँ पे इंडिया गेट पे लाखों की तादाद में भीड़ लगी हुई है, और यहाँ सब देख रहे हैं यार इनका डांस। ये देखो अब ये भी कुछ मुहतरम मुझे लग रहा है चालू हो जाएंगी इनको देख के। यहाँ हो चुका है गाइस इनका भी डांस चालू, पब्लिक देख सकते हो यहाँ पे, बिग फैन देख सकते हो भाई यहाँ पे पब्लिक चालू, और यहाँ इंडिया गेट पे चालू हो गया डांस यार इंस्टाग्राम का, और यहाँ टिकटॉक का कीड़ा अब भी चालू है देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम के नाम से। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील से बन रही है, और क्योंकि टिकटॉक तो हो चुका है बैंड, तो गाइस यहाँ पब्लिक फुल मौज कर रही है यार। ₹20 खर्च करके तो गाइस यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहने वाली है संडे वाले दिन, देख सकते हो यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ देख सकते हो यार पूरा डांस दिखा रहा हूँ यार मैं आपको, ये पब्लिक पागल हुई भी है इधर बहुत ज्यादा, पब्लिक बहुत खुशी हुई भी है भाई देखे आ रही है, ऐसा रोमांचक डांस चल रहा है यहाँ पे इंडिया गेट पे 3 बजे। बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत रहने वाली है यार इंडिया गेट पे, तो मैं आके बस खुद हिल गया यहाँ पे क्या चल रहा है मैं, क्योंकि खुद
तीन चार साल बाद इंडिया गेट आया था तो ये देखने को मिला है इंडिया गेट पे। तो इंडिया गेट पे यार यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये देखने को भी, ये भैया उड़ा रहे हैं ये देखो, ओ शेक, बहुत ही ऊपर उड़ाया भैया ने, चारों तरफ आपको दिख जाएंगे ये उड़ते हुए। और ये आ गया इनसे गाइस, देखो ये भाई ने पकड़ लिया। तो भाई कितने का ये? 20 रुपए का रहने वाला है इंडिया गेट पे। चलते हैं आगे, अंधेरा हो चुका है गाइस। अब जरा सी मैं दिखा दूं यहाँ पे प्लेट कितने की है, एक बार मुझे जानना है यहाँ पे गोलगप्पे कितने के मिलना है। तो चलते हैं यार गोलगप्पे देखने। गोलगप्पा तो यहाँ पे एक से एक है वैसे ही, खाने वाला कह रहा हूँ मैं। बहुत तेज व्यूअर्स हो रहा हूँ आप। छोटा डॉन छोटा डॉन, देखा तुमने कैसे यहाँ पे छोटे डॉन भी घूम रहे हैं। देख सकते हो यार इंडिया गेट में ये छोटा सा पप्पी भी देखने को मिलता है। अगर आप कभी बचपन में आए होंगे आपने ये देखा होगा, देख सकते हो ये आवाज निकालता है, आज आवाज निकाल नहीं रहा। ये कितने का है बट सेट, कितने का ये वाला? 200 रुपए का। देख सकते हो भाई इंडिया गेट में बवाल मचा हुआ यार। यहाँ पे देख सकते हो यार स्वीट कॉर्न भी मिल रहा है, इतने फ्रेश स्वीट कॉर्न है 40 से 50 रुपए में इंडिया गेट पर। आपको ये भी आराम से मिल जाएंगे स्वीट कॉर्न खाने को, लड्डू वगैरह यहाँ पे खाने की हर वैरायटी मिल जाएगी। एक बार आप इंडिया गेट जरूर आए, देख सकते हो यार यहाँ पे कितने फ्रेश फ्रेश लड्डू मिल रहे हैं। आप आओ और इंडिया गेट में अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। भाई खा रहे हैं देखो बड़े चाव से स्वीट कॉर्न, और यहाँ मिल रही है भेलपूरी का सामान। यहाँ पे देख सकते हो यार लाइन तारी से कितना ज़बरदस्त भेलपूरी का सामान लगा हुआ है। और ये फेमस चुस्की इंडिया गेट की जो आप देख सकते हो आके, यहाँ मिल रहे हैं यार मोमोज। तो यहाँ के मोमोज यार मैंने ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसा असल में कुछ हाइजीन प्रॉब्लम लगती है यार, किससे बना रहे हैं किससे नहीं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यार भुट्टे मिल रहे हैं 30-30 रुपए के यार इंडिया गेट पे। देख सकते हो यार कितने फ्रेश और वो मिलते हैं। बाकी ऐसा लग रहा है किसी खाने वाली दुकान, किसी खाने वाली मार्केट में आ चुका हूँ गाइस। चारों तरफ जिधर देख रहा हूँ वहाँ खाने का सामान, यहाँ पे कुछ दो ही ज़्यादा सामान मिलते हैं जैसे कि आप जानते हो भेलपूरी, लड्डू, चुस्की और मोमोज, और ये इनका आम है पापड़ वगैरह। बाकी टैटू यहाँ पे मिल जाता है, आसानी से टैटू हो जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ टैटू भी आसानी से हो जाता है, लोग टैटू कराने के लिए बैठे हुए। तो यार इंडिया गेट पे मैंने दिखा दिया क्या क्या जायके मिल रहे हैं, मगर मैंने खाई एक चीज़ है फ्रूट्स जो ओरिजिनल होते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं करी जाती। बाकी मैंने यहाँ का ट्राई कुछ नहीं करा, जैसे फ्राइज़ और मोमोज वगैरह जो फ्राइड के पता नहीं किस ऑयल में, और जो किस भेलपूरी वगैरह उस होती है, मुझे मैं सब चीज़ें खाना अवॉइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रूट चखा है, बाकी फ्रूट की क्वालिटी भाई A1 थी। मार्केट यहाँ पे जो फ्रूट्स था वो मैं, मेरा दिल नहीं करा खाने का पर मैं खाया नहीं, बहुत हाई रेट है यहाँ पे, चीज़ उस हिसाब से दे नहीं रहा है। जो बात सच है, मैं और भी लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता, जो है मुँह पर साफ बोल देता हूँ। क्वालिटी उससे मुझे कुछ बेटर लगी नहीं, प्राइस बहुत हाई लगे। बाकी रीजनेबल मुझे जो लगा है वो फ्रूट्स चाट्स की प्लेट थी 50 रुपए की, जो ज़्यादा मुझे लगी नहीं कि हाँ है, मगर सही है फ्रेश फ्रूट थे। तो वीडियो अच्छी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अब आपको न्यू वीडियो में। और जिसने मेरी अगर पहले की वीडियो नहीं देखी जाके वो भी चेक करो यार, बहुत ही ज़्यादा फेमस होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और वो मैंने सारी वीडियो व्लॉग बना रखे हैं, तो उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मिलते हैं न्यू वीडियो में।